हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कच्चे पत्ता गोभी आलू की सब्जी तो हम अक्सर बनाते ही हैं, पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उबले हुए पत्ता गोभी आलू की सब्जी, जो कि बनाने में बहुत ही इजी होती है और खाने में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप बनाते भी हैं तो एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर देखें। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पे आलू को उबाल लिया है और पत्ता गोभी उबाल के लिए है। मैंने यहाँ पे कुकर में एक टिफिन ले लिया था, उसमें मैंने पत्ता गोभी काट के रख दी थी उबलने के लिए आलू के साथ में, तो दोनों एक साथ उबल गए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हमने लिया है यहाँ पे प्याज, आप देख सकते हो 3 से 4 प्याज है जो कि छोटे साइज के थे, और 5 से 6 कलियां लहसुन की। हम इनको मिक्सी के जार में डालेंगे, तो इसको हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं और साथ में डालेंगे इसमें हरी मिर्च। तो ये हरी मिर्च थी पर ये रखे रखे लाल हो गई, आप चाहो तो इस तरीके की हरी मिर्च भी डाल सकते हो, पर इनका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है तो मैं ये वाली यूज करी। और अब हम इनको पीस लेंगे। प्याज हमारे यहाँ पे पीस चुका है, अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली, अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है और अब हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और 1 छोटा चम्मच डालेंगे जीरा। और अब हम डालेंगे इसमें प्याज लहसुन जो हमने पीस के रखा था, और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम मिर्च पहले भी डाल चुके हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है। 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें गरम मसाला डालेंगे क्योंकि इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और अब हम इन सारे मसालों को इस तरीके से भून लेंगे चलाते हुए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, 1 चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हो कम ज्यादा। इसको भी हम मिक्स कर देंगे और मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हो तेल वगैरह इसमें छूट गया है, तो मसाले हमारे भून गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, आलू में पहले नहीं डाल रहे हैं फ्रेंड्स। जो पत्ता गोभी है ना, इसको हमें थोड़ा सा मसालों के साथ में अच्छी तरीके से भूनना है, कम से कम 3 से 4 मिनट तक। तो पत्ता गोभी को यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया है, बहुत अच्छे से हमारे पत्ता गोभी जो है ना भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे आलू, आलू मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में लिया है, तो इसको हम थोड़ा सा इसमें इस तरीके से तोड़ते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें जो बड़े बड़े आलू है ना, इसको मैं इस तरीके से तोड़ ले रही हूँ, और अब हम 5 से 6 मिनट तक चलाते हुए इसी तरीके से भून लेंगे। तो सब्जी को 5 से 6 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए, और इसमें अब हम डालेंगे धनिया। फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको मटर पसंद है ना तो मटर भी आप ऐड कर सकते हो हल्का सा उसको बॉईल करके, और बॉईल नहीं करना है तो आप मसालों के साथ उसको पका सकते हो। जो हमने प्याज वगैरह मसाला हमारा भुना था ना, वहाँ पे मटर को ऐड करके आप पका सकते हो। तो आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखिए, डिफरेंट तरीके से बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है इसका। आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं इसको। चलिए इसको हम सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पत्ता गोभी आलू की सब्जी गर्मा गर्म चटपटी बनके तैयार है। आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो एक बार बना के जरूर देखिए। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।